राशन की दुकानों पर अब उन कार्ड धारकों को ही राशन मिलेगा जिसने वैक्सीनेशन कराया है। डीएम ने जिले में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए हैं। उन्होंने पूर्ति विभाग के माध्यम से सभी राशन डीलरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है जिससे जिले में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, ऐसे में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में हर जगह लोगों की जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका के चलते डीएम ने जिले के सभी राशन डीलरों को डीएसओ के माध्यम से कहा है कि फ्री राशन लेने वाले कार्ड धारकों से वैक्सीनेशन लगवाने के प्रमाण लेने को कहा। प्रमाण दिखाए जाने के बाद ही राशन देने की बात कही। आने वाले चुनाव में पार्टियों के कार्यक्रम प्रचार की वजह से हर जगह लोगों की भीड़ जुटेगी जिसकी वजह से कोरोना की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन 100% होने से इस खतरे से बचा जा सकता है। इसी क्रम में विकासखंड भगतपुर टांडा के कुछ ग्राम पंचायतों के राशन डीलर वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे जिले में फ्री राशन लेने राशन की दुकान पर आने वाले कार्ड धारकों को चेक किया जा सके जिससे जिले में 100% वैक्सीनेशन हो जाए। सर, प्रदेश सरकार के नए आदेश आते ही कि वैक्सीन नहीं लगी होगी तो राशन नहीं मिलेगा, इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सीएससी भोजपुर से। ये सरकार का जो डिसीजन है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सभी लोगों को वैक्सीनेशन, जो फैमिली हमारी नहीं निकल के आ रही थी उसकी वजह से आज की स्थिति ये है कि लोग आने लगे वैक्सीनेशन के लिए, स्वयं आ रहे हैं और लाइन लगा के लगवा रहे हैं। इससे क्या है कि जो सरकार की जल्द से जल्द इसको कवर करना है फर्स्ट डोज के लिए, वो 100% हो जाएगा और उसी के उसमें लोग दौड़े चले आ रहे हैं अब लगवाने के लिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का कि इस पर फोकस किया गया। सर, पहले से और अब में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुई है सर? देखिए, जैसे मेरा अभी मैं देख रहा था कि पीछे एक एक सेशन पर कहीं 30 टीके, कहीं 20 टीके, फर्स्ट डोज 40 डोज, मतलब इतना लग रहा था। लेकिन कल से जब से जैसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा राशन डीलरों को निर्देशित किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग कल 201 सेशन पर 150 से 200 तक के टीके लगे, जिसमें 80% राशन डीलर जो हैं बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और वो तभी इन लोगों को बोल के ऐलान भी करा रहे हैं, सब कुछ अब सपोर्ट कर रहे हैं। सर, किसी गाँव में राशन डीलर की कोई हरकत सामने आई हो? देखिए, दो तीन जगह हुआ था कल, जिसका उनसे संज्ञान लिया गया और उनसे तुरंत फोन पर बात भी हुई है। एक चांदपुर में मल्लूपुरा, रानी नागल और आज का खबरिया घाट है और एक बुढ़ानपुर, इन गांवों के राशन डीलरों ने कल सहयोग नहीं किया था, जिसके लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सर ने उसके लिए बात की। मैंने भी बात की थी इन राशन डीलरों से, तो जिसकी वजह से आज शायद बेहतर हो पाए। सर, आप अब वैक्सीनेशन को लेकर सभी क्षेत्रवासियों से वैक्सीनेशन लोग क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अफवाहों पर ना जाएं। किसी ये जो वैसे अगर राशन नहीं मिलेगा, ये एक सरकार ने वैसे तो इसलिए किया है कि ताकि लोग लगवा लें, लेकिन ये उनके ही लिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि वैक्सीनेशन होने से जो पीछे कोविड में देखा गया था, कोविड महामारी के दौरान सेकेंड वेव में, कि लोग हॉस्पिटलों में पहुंचे, इलाज परेशानी और सब तरह इस तरह की दिक्कतें आई थी, जिन लोगों के वैक्सीनेशन हुआ था उनको अगर कोविड कोरोना हुआ भी तो इफेक्ट बहुत ना के बराबर हुआ और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, स्वयं अपनी स्वेच्छा से लगवाएँ, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ। मेरा तो कहना है कि हर परिवार का जो 18 साल से ऊपर है सभी लोग लगवा लें, क्योंकि ये ना सोचें कि मुझे राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो स्वस्थ हैं तो राशन क्या, वो सब कुछ मिलेगा। जब इंसान ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर राशन या कोई क्या करेगा। इसलिए 100% लोगों को डोज लग जाए और सरकार द्वारा जो ये मुहिम चली आई गई है अब इस सेकेंड फेज में घर 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 दस्तक अभियान के अंतर्गत, ये बहुत ही अच्छा है। इससे लोगों को फायदा भी हो रहा, जो लोग नहीं आ रहे थे उनको टीम वहाँ पर कवरेज कर।